दोस्तों, वहीं पर विराजमान सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आप सभी मित्रों को एकदम भी नमस्कार। जैसे कि महेंद्र सर ने आपको बताया मेरे बारे में, और मैं खुद अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम पंकज श्रीराव है, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। अब मेरा एज है 44। जैसे सर ने बोला है कि 2016 में मुझे कुछ तकलीफ हुआ था, तो मेरा वेट तब एक नियर अबाउट 110 या 112 किलो होगा। तो फिर मेरे को उस टाइम पे ना मेरे लेफ्ट पैर में ऐसे छलते बढ़ते ना, तो उसको भी अंकार से महसूस बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि पहले ना मेरे को ऑर्थोपेडिक होगा, तो मैं ऑर्थोपेडिक किया गया, उसने मेरे को प्लास्टर लगा मेरे पैर को। 15 दिन प्लास्टर लगा, तभी भी वो मेरा प्रॉब्लम कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। फिर मुझे और किसी ने बताया कि नहीं, ये अपना ऑर्थो का प्रॉब्लम नहीं है, आप है ना नर्स वाले की तरफ जाओ करके, आप न्यूरोलॉजिस्ट की तरफ जाओ। मैं न्यूरोलॉजिस्ट गया, वो भी ना कोकाट तक में गया था। मतलब सोचो, मतलब मेरे को कितना प्रॉब्लम था, इतना प्रॉब्लम था कि मैं मेरे बेडरूम से लेकर बाथरूम तक पैदल नहीं जा सकता था। अगर ऐसा जाने गए तो यहाँ से वहाँ तक पैर डालो तो नहीं चल सकता, इतना मेरे को सीरियस प्रॉब्लम था। पर नेचर अपना वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि नहीं, ये प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे एक रेडियोलॉजिस्ट को भी सजेस्ट किया, वो तो मेरे को बहुत पहले है। उन्होंने मुझे चेक किया और बोले इमीडिएट अभी आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। उन्होंने कुछ एडिया करके निकाला था, इसमें पैर को हाथ और पैर को सेंसर बांध दिया, जिससे पता चला कि ये पैर में ना ब्लड नहीं आ रहा है करके। और बोले अगर नहीं करूँगे तो गैंग्रीन हो जाएगा, पैर काटना पड़ेगा। यहाँ तक मुझे उन्होंने बोल दिया था। मैंने बोला ठीक है सर, करना है तो करना है। तो उन्होंने मुझे ऑपरेट किया। मेरा 2 दिन में लगभग 22 घंटे ऑपरेशन चला, 5-6 घंटे सवेरे, 5-6 घंटे शाम, मतलब 4 बार मेरा ऑपरेट हुआ है 2 दिन में, सुबह शाम। लास्ट टाइम तो मैंने बोल दिया सर इतना तकलीफ हो रहा था, सर अब मुझे कुछ भी करना नहीं है, मेरा पैर खड़ा तो भी चलेगा, अब मैं तकलीफ सहन नहीं कर सकता, यहाँ तक मैंने बोल दिया। उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद में मेरा ऑपरेट हुआ, एंजियोप्लास्टी हुई है। यहाँ से वेन डालते थे, इधर डाल जाती थी, इधर आती थी, यहाँ पर लेते थे, कुछ भी करते थे। एक टाइम ऐसा होता कि यहाँ से उनको वेन से मिल रही थी, उन्होंने इस साइड से डाला तो बहुत ज़्यादा ब्लड गया था, पूरा मेरा जो वेट था ना पूरा ब्लड से भर गया था। मतलब यहाँ तक मुझे सीरियस हुआ था। उसके बाद में उन्होंने जो है मेरा ऑपरेट हुआ, मैं एकदम ओके हुआ, फिर घर गया। घर के बाद में 4-5 सालों के बाद में जैसे कोविड आया था, सबको पता है, सेकंड वेव में मुझे भी कोविड हुआ, मैं भी एडमिट हुआ, मुझे भी बेड नहीं मिल रहा था। मेरे एक जानकार जो दोस्त था, उन्होंने मुझे एडमिट किया। मैं वहाँ पर 22 दिन था, 22 दिन मैंने वहाँ पर लगभग 650 से 650 इंजेक्शन अपने बॉडी में दिया। सोचो कितना दिया, और दिन की गोलियाँ थी, सुबह से लेकर शाम तक मैंने एयरपोर्ट 40 गोलियाँ खाता था। 22 दिन में हॉस्पिटल में रहा, एक्सपेक्ट बहुत लगा, 7 लाख रुपये लिया मेरे से उन्होंने। उसके बाद में मैं हॉस्पिटल से घर गया। घर जाने के बाद में मुझे इतना वीकनेस हुआ था कि मतलब नियर अबाउट मेरा वीकनेस तो 2 महीने तो निकला ही नहीं, बहुत मतलब हालत भी बहुत खराब हो गई थी, वीकनेस भी नहीं निकला था। दिन कैसे तो भी मैं निकला, उस टाइम पर मेरा शुगर हो गया था, उन्होंने स्टेरॉइड दिया था, तो शुगर मेरा हुआ था 550। आप समझ सकते 550 मतलब सुबह शाम की मेरी गोली चालू हो गई थी। जब हॉस्पिटल में था तो मुझे इंसुलिन देते थे, पर जब घर में गया तो मेरी गोली चालू हुई थी सुबह या शाम। उसके बाद में 6 महीने तक मेरा अच्छा चला। बाद में मेरे को सेम प्रॉब्लम हुआ था, और मेरा जो पैर था वही ऐसा तड़प जैसे मेरा पहले था, तो सेम हुआ था। तो मैं उनके पास गया था, जो मेरे जिन्होंने मुझे ऑपरेट किया था 5 साल पहले, उनके पास गया था, उनको दिखाया, उन्होंने एरिया और निकाला, उन्होंने भी आपके पैर में भी 60% आ रहा है, सेम आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। मेरा सर अभी भी मेरा सीधा पैसा नहीं है, मैं तो कोविड से उतरा हूँ, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बोले मैं आपको 15 दिन का जो भी मेरा गोली का पैकेज है वो दूंगा। उन्होंने मुझे पैकेज दिया। दिन में ऐसे एक बार फेसबुक ऑपरेट कर रहा था, तो मुझे नंदा मैडम का ये दिखा कि उनके पास में क्या है क्या नहीं करते। तो जस्ट मेरे मैडम को हाई डाला, तो मैडम का और मेरा जो फिर हमारा कॉन्टेक्ट हुआ है। फिर मैडम बोले कि आप शाम को हमारे को अभी मिलो, आपका जो भी प्रॉब्लम है हम देखेंगे। दिन फिर मैं वहाँ पर गया, मुझे फिर डॉक्टर गाड़ीवाल सर ने चेक किया, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं जो बोलता हूँ करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे डायट चेक करना के लिए सर, डायट चेक के साथ में मुझे उन्होंने एक वेट लीचर की बॉटल इमली वाली और पाउडर बोला ये आपको लेना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है सर मैं लूँगा, पर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। सर बोले ओके अपन ट्राई करते, बोले जो भी है आप मैं जो बोलता हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। सर ने मुझे 2 टाइम का ऑन दिया था, 2 टाइम का ऑन दिया था, तो मैं पाउडर और इमली को दिया। मैंने लेने के बाद में फिर कई सर बोले मुझे कितना लेना पड़ेगा, तो मैंने लिया, कोई तकलीफ नहीं। लेने के बाद में आज जो है मेरे को जो मेरा शुगर है, मेरी शुगर की गोली पूरी बंद हो चुकी है, शुगर की बिल्कुल और नहीं। उसके बाद में अगर आपको लगता है आज मैं मेरा वेट मतलब बताना चाहता हूँ, एक मिनट, आज मेरा वेट अगर आप देखोगे एक ही मेरा कहें 4 दिन का, तो उतना भी लग रहा है कि मेरा वेट है
ये बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि ये पर मेरे को जो ये जिमनेश्वर से लगा है, जो मुझे डॉक्टर सर ने जो मुझे गाइड किया है, नंदा मैडम ने गाइड किया है, सर ने बहुत अच्छा गाइड हुआ है। आज मुझे मेरा वेट नियर अबाउट 40 kg मैंने कम किया है, 40 kg जो मेरा मतलब ये जो प्रोडक्ट दिया है राजू सर ने, जो इन्वेंट किया है, जिन्होंने अपने फैमिली के लिए किया था, आज मैं भी बोलता हूँ कि मेरे लिए भी जो सर ने इन्वेंट किया है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप सभी लीजिए क्योंकि आज शुगर आज हर घर में है, बीपी हर घर में। मैंने भी शुगर की दवा लिया 550 से लेकर, पर आज पूरा नील है, मैं शुगर की दवा नहीं ले रहा हूँ।